अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाट होंगे। तो वेलकम है आपका एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक वीडियो में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो चलें सबसे पहले आपको बता देते हैं आज हमारे किचन में एक्चुअल में बन क्या रहा है। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं हर दिल अजीज़, जो हर एक बंदे को इंतहाई पसंद है और हर एक बंदा शौक़ से खाता है, वो भी चिकन बिरयानी। डरते हैं कि चावल नहीं सही बनेंगे, चावल जुड़ जाएंगे, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ होंगी। तो चलें आपकी परेशानियों को दूर करते हुए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर, स्मॉल साइज़ के तो नहीं थे, है मीडियम साइज़ के थे, जो मैंने 2 अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिए हैं। साथ ही मैंने 2 साबुत हरी मिर्चें ली हैं, जो बहुत अच्छा टेस्ट होगा इनका। 2 टेबल स्पून बारीक मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 कटे हुए प्याज हैं। मिसाल में मेरे पास एक भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च। मसाले में इतने ज़्यादा इसमें नहीं इस्तेमाल करूँगा, और साथ में बिरयानी मसाला इस्तेमाल करूँगा नेशनल का, जो जिसमें तकरीबन बाकी सारे जो लवाजमात हैं वो पड़े हुए। चिकन की ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसके लिए हमें जो साबुत गर्म मसाले चाहिए होंगे उनमें सबसे पहले ये 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 से 3 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 15 से 20 मेरे पास साबुत काली मिर्च है, 7 से 8 लौंग हैं और 2 से 3 तेज़पात। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं तो चिकन भी चाहिए होगा। ये मेरे पास 1/2 किलो चिकन है जिसे मैंने अच्छी तरह धो के रख दिया है। तो चलें बाकी के जो लवाजमात हैं जो इसमें जैसे जैसे डलेंगे, अभी तो बहुत से मसाले इसमें डलने और बहुत सी चीज़ें डलनी हैं जो इसमें बहुत एक अच्छा टेस्ट फ्लेवर देंगी। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने डिटेल से इन्हें बताना शुरू कर दिया। तो चलें डायरेक्ट अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑयल। अब मैं इसमें साबुत मसाले डाल दूँगा, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो चुका है, अब ये मैं इसमें साबुत सारे मसाले डाल दूँगा। साबुत मसाले मेरे क्रैकल होने थोड़े शुरू हो गए हैं, अब मैं इसमें अपने प्याज शामिल कर देता हूँ। प्याज मैंने शामिल कर दिए हैं, अब इन प्याज़ों को हम लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। प्याज मेरे लाइट गोल्डन हो गए, अब मैं इसमें अपना लहसुन अदरक ऐड कर देता हूँ ताकि सेम टाइम पर ये दोनों डार्क ब्राउन हो जाएं। लहसुन अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। प्याज और अदरक लहसुन मेरे अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें 1-2 बूंदे पानी की टपका देता हूँ ताकि ये नरम हो जाएं। पॉइंट पर पानी डालने का मकसद प्याज़ों को नरम करना है, प्याज अच्छी तरह नरम हो जाते हैं वरना इस तरह खड़े खड़े रहते हैं। तो चलें इसमें आप अपना चिकन ऐड कर देते हैं और फिर चलते हैं चावलों की तरफ। ये मेरा 1/2 किलो चिकन है जो मैं इसमें डाल दूंगा। इस तरह प्याजों लहसुन अदरक में चिकन डालने का मकसद चिकन की स्मेल दूर करना होता है, तो इससे इसकी रॉ स्मेल आती रहती है। अब इसका कलर चेंज होने तक इसे प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। चिकन मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसे फ्राई करते हुए। चिकन का कलर अच्छे तरीके से चेंज भी हो चुका है, और सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया, साथ ही मैंने आलू भी डाल दिए थे ताकि आलू भी गल जाए, क्योंकि आलू का टेस्ट चिकन बिरयानी में बहुत ही खतरनाक किस्म का होता है और आलू के बगैर बिरयानी अधूरी है। जस्ट फॉर मी, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें अब इसमें टमाटर डाल देता हूँ मैं। टमाटर और साबुत हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं इसमें, आप टमाटरों को नरम होने तक पका लेंगे और इसमें बाकी जो मसाले डालेंगे और मैं आपको फिर आपको बताता हूँ। तो चलें मैं आपको बताता हूँ चावलों की डिस्क्रिप्शन। ये जी मेरे पास चावल जो कि मैंने लिए हैं 1/2 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। ये मेरे पास डबल स्टीम राइस हैं जिनको मैंने 1/2 घंटा पहले 2 पानियों से निकाल के 2 पानियों में अच्छी तरह वाश करके गर्म पानी में भिगो दिया था 1/4 घंटा पहले। तो चलें इनके साथ आप आगे की कार्रवाई करते हैं। अच्छी तरह नरम हो गए, अब मैं इसमें अपने मसाले डाल दूंगा सारे।
मसूर का बिरयानी मसाला अंदाजे मुताबिक 2 से 3 टेबलस्पून। अब इन मसालों के साथ 4 से 5 मिनट चिकन की अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे, जब तक ये मसाले अच्छी तरह पक ना जाएं और ये चिकन ऑयल रिलीज ना कर देंगे। अब मैं इसमें एक प्याली दही शामिल कर देता हूँ। अब दही में चिकन की बुनाई में करूँगा अच्छी तरह और चिकन भी इसमें गल जाएगा और बाकी जो इसमें फ़र्क रहेगा वो ड्यूरिंग दम ये चिकन अच्छी तरह डन हो जाएगा। अब दही के साथ इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेते हैं। चिकन हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है तो अब इस पे और अब इस पॉइंट पर हम इसमें एक लीमू का रस निचोड़ देंगे। एक खुले से बर्तन में मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी ले लिया है, पानी की क्वांटिटी कोई मैंने मेजर नहीं की हुई क्योंकि चावलों को जस्ट बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए मैंने बगैर मेजरमेंट के पानी ले लिया है। खुले पानी में चावलों को बॉयल करेंगे तो चावल अच्छे बनेंगे। तो चलें अब इसको बॉयल होने तक का वेट करते हैं और इसमें बाकी क्या क्या डालूँगा मैं वीडियो देखते रहिए। चावलों का पानी हल्का हल्का बॉयल होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से फ्लेवर ऐड करूंगा चावलों में ताकि चावल हमारे फीके फीके न रहें। तो फ्लेवर ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं ये इस तरह थोड़ा सा धनिया डाल दूंगा जो मैंने धो के खुश कर लिया है। अब मैं इसी तरह इसे साबुत थोड़ा सा डाल दूंगा। ये कुछ मेरे पास साबुत गर्म मसाले हैं, आपके पास जो अवेल हूँ वो डाल दें। साथ ही ये 2 हरी मिर्चें भी डाल दूंगा जिनका आगे से मुँह मैंने इस तरह थोड़ा सा खोल लिया है, जिसे मैंने हल्का सा कट लगा लिया है आगे से, तो ये भी डाल देंगे साथ ही। अगर आप ऐसे ही चावल बनाएंगे चावल में ये चीज़ें डाल के तो चावल आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलें इसको बॉयल होने तक अच्छी तरह, जब तक इसको बॉयल आता तब तक वेट करते हैं। अच्छी तरह बॉयल हो गया, अब मैं इसमें चावल डाल देता हूँ। साथ ही हम इसमें एक लीमू का रस भी शामिल कर देंगे। अब हम चावलों को अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि चावल जुड़े ना। बहुत जेंटली आपने चावलों को हिलाना है ताकि चावल हमारे टूटे भी। इसमें लेमन डालने का मकसद ये है कि चावल हमारे बिल्कुल भी साथ ना जुड़े और चावल खिले खिले बने। आपने अगर लेमन यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह सिरका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावलों को इस तरह तेज़ आंच पे बॉयल करेंगे और तकरीबन चावलों को 70% पकाएंगे। लोग आपको बताते हैं 80% पकाने, इतने पकाने उतने पकाने, आपने सिर्फ 70% पकाने और 30% जो बचेंगे वो आपने दम पे पकाने हैं। इस तरह आपके चावल ना तो ज़्यादा गलेंगे ना ज़्यादा साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल एक एक दाना होगा और खिले खिले चावल होंगे। तो कितने रखने हैं आपने चावल, कितने दाना चावल में रहना बाकी है, कितना हमने रखना है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा और आप वीडियो पूरी देखेंगे तब आपको समझ आएगी कि चावलों की मेन कंसिस्टेंसी कैसे रहती है। देखें चावल हमारे हो गए हैं तकरीबन। आप चावलों को इस तरह पकड़ेंगे, इस तरह तोड़ेंगे, ये टूटेंगे, ज़्यादा मैश नहीं होंगे, मतलब 2 से 3 ये इसमें डिवाइड होंगे। ये देखें तो ये परफेक्ट टाइम है चावलों को जो है स्ट्रेन आउट करने का। तो चलिए चावलों को स्ट्रेन आउट कर लेते हैं। देखें चावल मैंने स्ट्रेन आउट कर लिए हैं, चावलों का पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है अच्छी तरह और मैंने आधे चावल निकाल के साइड पर रख दिए और अब चलें डायरेक्ट इसकी लेयरिंग करते हैं। लेयरिंग हमारी हो चुकी है, 14 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं और मिलता हूँ 14 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी की लुक आई है। बिरयानी मैंने दम से उतार दी है, 15 मिनट मैंने इसे दम पे रखा है लो फ्लेम पे और उसके बाद 5 से 7 मिनट मैंने इसी तरह इसे बगैर दम खोले ढके हुए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह ये देखें आपको दूर से लग रहा होगा कि चावल कितने खिले खिले हैं, कैमरे में ज़ाहिर है वो रिज़ल्ट नहीं नज़र आता जो रियलिटी में होता है। तो चलें आपके सामने मैं इसका दम खोलता हूँ, मिक्स करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर भी करता हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह किनारियों से चावल इसके हटा लेने, देन आपने एक साइड से इस तरह चावल थोड़े करने ताकि आपके चावल टूटे ना। और ये देख लें चावल किस तरह एक एक खिला खिला है आपके सामने है। अब मैं ये सारे मिक्स कर लूँ तो आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें चावल किस तरह एक एक खिला खिला है और चावलों की लेंथ भी आप देख सकते हैं। ये देखें चावल का दाना कितना लंबा है और ये भी नहीं कहीं अंडर कुक है, ये देख लें चावल का दाना बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। तो चलें अब मैं इसे सर्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ सर्व करते हुए। चलें जी आप अपनी बिरयानी को सर्व करते हैं। इट्स टाइम टू गिव यू आ फाइनल लुक एट द टेक्स्चर।
चावल देखें किस तरह एक एक खिला खिला है, ये देख लें। मैं आपके सामने ये इस तरह डाल रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ नज़र आए। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंतहाई डिलीशियस लाइट बिल्कुल मसालेदार छक्का हमारी रेडी है, इट्स रेडी टू सर्व। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें, अपना फीडबैक कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो और नए रेसिपी में, एक छक्कास रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।